जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा आरोप है। ये एक ऐसा आरोप है दोस्तों जो कि अब छूटे नहीं छूटेगा जब तक कि उन्हें बाइज्जत बरी ना कर दिया जाए। अब वो होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में बताता हूं मैं आपको कि आखिरकार क्राइम ब्रांच को कैसे पता चला कि ये सब चीजें चल रही हैं। क्राइम ब्रांच के हाथों लगा सबसे बड़ा सबूत, आइए इस वीडियो में उसी बात का खुलासा करता हूं। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, राहुल भोज है मेरा नाम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, राहुल भोज नाम है। बात करते हैं अब दोस्तों इस पोर्नोग्राफी के मुद्दे को लेकर जो कि जहर बनता जा रहा है इंटरनेट पे। इंटरनेट की कोई भी साइट उठा के देख लीजिए, पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी चारों तरफ यही फैली हुई है। और इंडिया में रहकर इंडियन एक्टर्स को इस्तेमाल करके पोर्नोग्राफी फिल्म्स बनाना ये भी दोस्तों अब चलन में आ गया है। और कुछ कुछ ऐसी पेड एप्स हैं जहां पर जो है लोग इसको देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अब आप लोगों को बता दूं तो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड मिस्टर राज कुंद्रा जो हैं वो एक यूके बेस्ड प्रोडक्शन हाउस से बातचीत कर रहे थे और उसी के दौरान जो सिलसिला है वो बातचीत के दौरान जो पैसे की लेन देन है उससे ही सारा मामला सामने आया है। बता दूं आपको तो ये बड़ी रिपोर्ट आई है एक लीडिंग पोर्टल की, जहां पर प्रदीप बख्शी नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि यूके बेस्ड बिजनेसमैन है और उनके साथ बातचीत के दौरान लेन देन हेर फेर के दौरान जो है व्हाट्सएप चैट से ये सारा मामला सामने आया है और तब जाके सारी चीजें सेटल डाउन हुई और फिर उसके बाद पता चला है कि अच्छा तो राज कुंद्रा का नाम इसमें ये है। बता दूं आपको दोस्तों तो कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां पर राज कुंद्रा को इसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है जो कि इस तरीके की पोर्नोग्राफी जो एप्स होती हैं उसके वो मालिक हैं जिससे वो लाखों करोड़ों में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। सो दोस्तों इस पर और डिटेल्स बने रहिए चैनल के साथ, फीफा फूज आपको हर एक बात की डिटेल्स बताता रहेगा। कीप ऑन वॉचिंग, मुझे दूसरी डिटेल्स बताता हूं, अलविदा करता हूं।